الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أبو هريرة رضي الله تعالى. في النهاية في حيّاري حديث میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كأوصافه هامدة كبيان كتبه. فرماتة ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل متكئا قط ولا या तो बहू रजुल हदीस इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में और इमाम अहमद बिन अलैह ने मुसनद अहमद में दीगर मुहदसिन ने भी अपनी अपनी किताबों में जिक्र किया है अलबानी अल्बा ने इसको सही हमें ज़िक्र किया है क्या बात जिक्र की गई रसूल अक्रम सम की पाकिज़ा आदतों में से एक पाकिजा आदत ये थी कि आप कभी भी कोई चीज़ खाते या पीते तो इस हाल में नहीं कि आप फेक लगाए हुए हैं गांव तकिए पड़े हुए हैं और बड़ी बेनियाजी के साथ खा रहे हैं हमारे जमाने में आजकल ये चलन बढ़ रहा है जब मुसलमानों को सियादत और क्यादत हासिल थी तो मुसलमानों के खास तौर से अमीरों की मजलिसों में भी बड़े बड़े गांव तकिए होते थे और वो उस पर टेखे लगाकर खाते पीते थे अब तो वो सूरत हाल बहुत हद तक खत्म हो गई कुछ लोगों में रह गई यह जिनको मालूम दौलत की फरवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है लेकिन फिर भी जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनको गौर करना चाहिए क्या कर रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारक थी आपने एक हदीस में यह भी फरमाया ला ताकुलू मुत्तकिन टेक लगाकर ना खाओ तो आप टेक लगाकर खाएं टेक लगाकर खाने के सिलसिले में तफसीलात मोहदीन कराम ने कई तरह की बैन फरमाई है एक तो यह जैसे बाज लोगों को आपने देखा होगा कि जब खाते हैं तो एक हाथ देख लेते हैं और फिर दूसरे से खाते रहते हैं और इनमें के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झुककर खाना शुरू करते हैं और फिर जितना खाते रहते हैं उसी एतबार से ऊपर होते रहते हैं इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा खाने वाले ही लोग तो बहुत ज्यादा खाना भी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और आदमी की दीनी हैसियत को भी मुतासर करता है तो रसूल अक्रम ने मना किया तो टेक लगाकर आप हाथ को जमीन पर टेके हुए हैं और दूसरे हाथ से खा रहे हैं और देखिए है कि आप पर टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं और उस पर खा रहे हैं और बाज लोगों ने एक और तशरी की है लाता कुलू है अतरबान चार जानू होकर ना खाओ ये एक मुहदस की तफसीर है तशरीह है। इसके अवाकब इस तरह से भी जाहिर होते हैं कि फिर आदमी का पेट निकल आता है बेहतर तरीका खाने का यह है कि आप दोनों पैर यानी घुटने खड़े कर लें और बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ऐसे खाया करते और थे और फरमाते थे कि मैं गुलामों की तरह खाता हूं और एक तरीका यह है कि एक पैर नीचे डाल लें आप बिछा ले और एक घुटने को खड़ा रखें यह तरीका सबसे अच्छा है इससे आपका पेट दबा रहता है तो पेट भी नहीं निकलता है बाहर और बहुत ज्यादा भी आप नहीं खाते हैं और आराम से भी खा लेते हैं बाज लोग जो बदन भारी हो जाता है या पेट बाहर निकल जाता है उन लोगों के लिए मजबूरी होती है वह ऐसे बैठ नहीं सकते हैं तो मुतरबैन यानी चार जानू होकर अगर खाएं तो खा सकते हैं कि नहीं हाँ खा सकते हैं इनको मुखालिफ सुन्नत तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि रसूल अक्रम वसल्लम ने ये तशरी नहीं फरमाई मुतरबेन की एक मुहदस का ये कौन है लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि एक मुहदस ने जो उसका माना और मतलब समझा है उसकी हम रियायत करें और उस तरीके से हम बचें बचेंगे तो उसके फायदे हमें हासिल होंगे तो रसम सल अल्लाह कभी भी टेक लगाकर नहीं खाते थे और एक और बात बतलाई इस पे वो क्या बात बतलाई ये बतलाई कि कभी आप ये पसंद नहीं करते थे कि आपके पीछे लोग चले जैसे आजकल हमारे यहाँ के मशाइ का पीरों का तरीका है जब वो चलते हैं तो उनके पीछे एक जमात दस पंद्रह आदमी चलते हैं कोई उनका रुमाल उठाए हुए है कोई उनका उगलदान उठाए हुए है कोई उनका शिमला उठाए हुए है कोई उनके जो आबा पहने हुए हैं वो उठाए हुए है और कोई दाए बाए होते हुए उनके हर एक कदम पर उनसे कुछ न कुछ सरगोशी कुछ करते चल रहे हैं दुनिया वालों को दिखाने के लिए शान शौकत जाहिर करने के लिए यह परहेजगारों का नेकों का वलियों का तरीका नहीं है ये दुनियादारों का तरीका है ये उन लोगों का तरीका है कि दुनिया मालो मता में फख्र गुरूर में चूर है और दुनिया वालों को दिखाने के लिए वो इस तरह से चलना पसंद करते किसी जगह जाना है तो वो अकेले नहीं जाएंगे चाहे रिश्तेदार हो चाहे अपना कोई मुरीद हो अब मुरीद के यहाँ चले गए अकेले चले जाते तो वह हंस हैसियत बेचारा इनकी मेहमानबाजी भी करता अब ये गए दस पंद्रह आदमी के साथ तो उसके ऊपर बेचारे के खर्चा बढ़ गया और दस पंद्रह आदमी का कहाँ से बंदोबस्त करें खाने का पीने का और ये हो नहीं सकता कि सिर्फ पीर साहब को खिलाए और लोगों को ना खिलाए ये उसकी बेजती हो रही है बेचारे की तो ये जो तरीका हमारे जमाने में लोगों ने जियाली पीरों ने बना रखा है ये तरीका की सुन्नत से मेल नहीं खाता ये तरीका बुजुर्गान दीन का नहीं है ये तरीका उन लोगों का नहीं है जो आखिरत की कामयाबी के लिए जिंदगी गुजारते हैं और जीते हैं जो फरोतनी आजजी इंकसारी की जिंदगी गुजारते हैं उनका तरीका नहीं है तो हमें चाहिए कि अपने रसूल के तरीके को अपनाएं और तमाम ऐसे तरीके जिससे फाखर मुबात गुरूर गवंड टपकता हो छोड़ दें बैठने का तरीका हो खाने का तरीका हो चलने का तरीका हो या लोगों के साथ मामला का तरीका हो इन तमाम तरीकों से हम परहेज करें अल्लाह इज्जत हमें और आपको निकमल करने की तफरी देखते रहिए आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए